आज की शाम शहीदों के नाम, ये शब्द, ये वक्ता बिल्कुल सटीक बैठता है आज पे, क्योंकि आज 26 जनवरी का मौका है और ऐसे मौके पर मुरादनगर छोटा हरिद्वार में दीप प्रज्वलित का एक पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम दीपक रखे हुए हैं और हर दीपक से उछने वाली लो हमारे वातावरण को पवित्र कर रही है। बाकी नहीं, ये ज्योति जो है हमारे जितने भी वातावरण में प्रदूषण के कारण होते हैं उनको खत्म करने का काम करती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, दीपक जलते जरूर हैं लेकिन रोशनी भी देते हैं और उसी रोशनी में हम सब लोग जीते हैं। आइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जाने लेते हैं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है तो उनका क्या कहना है। आज की शाम शहीदों के नाम, मैं उन शहीदों को नमन करती हूँ, दीप प्रज्वलित करते हैं उनके लिए। जी मैम, आप क्या कहेंगी, पहली बार आए हैं क्या? हाँ, पहली बार आए हैं। कितने दीपक जल रहे हैं? 5 दीपक जलाए हैं, बाकी तो सब 500 जलाए हैं। भविष्य में क्या सोचा है कि हाँ ये नियम, ये कानून या ये परंपरा, इससे भी ज्यादा जलाए हम, बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, बड़ा नाम पे बड़ा सा प्रोग्राम हो, अच्छा लगता है करके। जी राकेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे, आप बहुत बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं भारतीय महासभा से, ब्राह्मण महासभा से, क्या कहेंगे इस मौके पर? राकेश भी बड़ा हसीना और आप पूर्व पत्रकार भी रहे हैं, क्या कहेंगे? अखिल भारत ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित दीपोत्सव के अवसर पर इन लोगों ने 501 दीपक जलाए आज, और ये भी बड़ा देशभक्ति राष्ट्रप्रेम का काम है और ऐसा हम सबको करना चाहिए, ताकि जिनकी वजह से हम लोग आराम से आप जैन के लिए घरों में खो रहे हैं वो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हितैषी शुभचिंतक रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज हम जैन के लिए सो रहे हैं। मेरा मानना है कि आज राष्ट्रपति का पर्व कल है तो आज जो है ये दीपोत्सव अपने आप में बहुत बड़ा अनुकरणीय प्रशंसनीय कार्य है। वाकई में ये अपने आप में अलग और अनोखा कार्य है और ये बहुत सारी सीखें भी देकर जाता है, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो वैलेंटाइन डे को याद रखते हैं लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो महत्व होता है उसे भूलते जा रहे हैं, उसको भी याद दिलाना चाहिए, ये एक परंपरा बनाना चाहिए, इस बारे में भी हम लोगों से बात करेंगे। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये आज ही के दिन क्यों आखिरकार आप ये प्रोग्राम करते हैं, युवाओं को क्यों नहीं जागृत करते कि भैया 26 जनवरी है, ऐसा कीजिए, दीप जलाइए या कुछ अलग कीजिए, उन्हें महत्व ही नहीं पता है 26 जनवरी का। एक्चुअली क्या है कि अब से पहले जो बच्चे पढ़ते थे वो हमारे ऐसे संस्थानों में पढ़ते थे जहाँ पर 26 जनवरी 15 अगस्त को के पर्व मनाए जाते थे। आज हमारी शिक्षा जो है पाश्चात्य संस्कृति वाली हो गई है, पाश्चात्य संस्कृति की हो गई है और बच्चों को इन बातों को अध्यापक लोग ही बताना नहीं चाहते क्योंकि वे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। परिवार का तो रोल बनता है बच्चों को समझाने का, लेकिन परिवार जो क्यों नहीं बनता, परिवार तो ऐसा है बेटे, ये जो दीपों का उत्सव है ये हमारी प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में है, शामिल है, और दीप का जलाना जो है ये एक प्रकाश देने की बात है और ये प्रकाश देने ही यही युवाओं को जगाने की बात है और इसी के इसके प्रकाश से ही युवाओं में और हमारी प्राचीन संस्कृति जो सनातन संस्कृति है उसके प्रति हमारे बच्चे आकर्षित होंगे। इसी तरह की परंपराएं हमें करनी चाहिए ताकि जो है हमारे बच्चे और हमारी परिवार हम आगे समझें इस बात को। वाकई में ही जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं उजाला घर में आया है और ये प्रतीक है ये दिए उस उजाले का, और ये उजाला लगातार बदस्तूर जारी रहे आने वाले लगातार कई सालों तक, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी के मौके पर ये जो 501 दीपक यहाँ लोग जला रहे हैं बदस्तूर जारी रहे, जलते रहे और इसी तरह से प्रकाश देते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन कुमार के साथ दीपक त्यागी, IBN9.live।